पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर निगम की सोमवार को हुई बोर्ड मीटिंग में सफाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी मेयर से भिड़ गए। उन्होंने सफाई व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया। दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। तीखी नोकझोंक के बीच सपा पार्षद भी विधायक पक्ष में सुर मिलाने लगे। विवाद बढ़ता देख भाजपा पार्षद मेयर के समर्थन में उतर आए। पूरी बैठक के दौरान गहमा गहमी का माहौल बना रहा। इस साल की अंतिम बोर्ड बैठक में भी शहर की सफाई मुख्य मुद्दा बन गई। देहात से सपा विधायक ने कहा कि पूरे शहर में गंदगी पसरी हुई है। ईदगाह क्षेत्र में भी गंदगी का ढेर है। पूरा शहर सड़ रहा है। चूहे दीवारों को खोखला कर रहे हैं। यहाँ तक कि त्योहारों पर भी सफाई नहीं होती। इस पर मेयर भी भड़क गए। कहा कि वे वार्डों में पार्षदों को लेकर साथ चलेंगे। इस पर एक पार्षद के विधायक की बात का समर्थन से सदन में मौजूद भाजपाई भी उत्तेजित हो गए। इससे पूरे सदन में हंगामा मच गया। तमाम पार्षद अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए। मामले में नगर आयुक्त ने हस्तक्षेप किया। लोगों ने निकल के कार्य किया है। अगर वो 5 लाख टन कूड़ा जो राम गंगा के किनारे इकट्ठा हुआ है वो किसने बचाया? इन सफाई कर्मचारियों में हर वक्त उनको कोसने से कोई फायदा नहीं है। हम भी आगे बढ़े, हम भी उनका साथ दें। 15 लाख लोग गंदगी करें और 1500 लोग केवल उसको सफाई करेंगे, संभव नहीं है। इसलिए खुद भी आगे बढ़कर हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साफ कराना है। कूड़ा हम लोग करते हैं, नालियों में कूड़ा हम लोग डालते हैं। एक सेकेंड की बात भाई, मैं कर लूं कहा कि आबादी के हिसाब से रोज अनुमानता रोजाना 395 से 398 मीट्रिक टन कूड़े की ट्रंचिंग ग्राउंड में प्रोसेसिंग हो रही है। कुछ सफाई कर्मियों के ना आने पर 90% के प्रयास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्षद अनुभव मेहरोत्रा ने वार्डों में सफाई कर्मियों के हाजिरी ना लेने का सवाल उठाया। हालांकि सदन में सबसे ज्यादा सफाई और सीवर आदि तरह के मुद्दे ही गूंजते रहे। गोविंदनगर की पार्षद महिमा भारद्वाज ने क्षेत्र में 27 कर्मियों के बावजूद 7-8 कर्मचारी आने का मुद्दा उठाया तो अपर नगर आयुक्त ने जांच के आदेश दिए। इसी तरह कांग्रेस पार्षद शकील अंडा ने क्षेत्र में 40 लाख से लगे नए ट्यूबवेल के बाद भी पानी में रेत आने का मामला संजीदा बना रहा। महिला पार्षद भावना शर्मा ने ठेकेदार पर सड़क की टाइल्स उखाड़ कर बेचने का आरोप लगाया।
मोहम्मद जहीर ने डोर टू डोर के अलावा टोरंटो गैस कंपनी द्वारा गड्ढा खोदने पर सड़क को दुरुस्त न करने का मामला उठाया। हालांकि इस पर पर्यावरण अभियंता राजीव राठी ने जानकारी दी कि टोरंटो पर सड़क को दुरुस्त न करने पर 4,34,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पार्षद विद्या सरन शर्मा बिट्टू ने निगम को घेरा। उन्होंने कहा कि अटल जी के नाम पर 1,88,00,000 रुपए प्रस्ताव मंजूर हुआ, मगर अभी तक 88,00,000 रुपए का काम का वर्क ऑर्डर जारी हुआ है। आचार संहिता के बाद महत्वपूर्ण काम भी अटक जाएगा। सपा के सलीम वारसी को जामा मस्जिद में नया नलकूप लगाने का भरोसा मिला। इसके अलावा पंकज यादव, असद कमाल ने सीवर से चैम्बर चौक और सड़क उखड़ने का मामला उठाया। आज बोर्ड की बैठक 11 बजे से और 6 बजे तक लगातार चली है और सभी पार्षदों ने अपने शहर की समस्याओं को लेकर विभिन्न मुद्दे रखे, सड़क का, बिजली का, पानी का, सफाई का, टैक्स का, बहुत विभिन्न मुद्दे रखे नामकरण के। कुल मिलाकर आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ कि जो हमारे संविदा पे आउटसोर्सिंग पे सफाई कर्मचारी हैं उनका जो वेतन था वो लगभग 10,500 रुपया नेट नगर निगम देता था, जिसमें से पीएफ वगैरह काट के उनको 7,700 रुपये होता था। अब उसके अगेंस्ट में निगम ने, उन्होंने आज एक मांग पत्र दिया जिसको सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। उसकी बजट की व्यवस्था बनाकर इनको आगे से लागू कर दिया है। जो पार्षदों का जो मांगने की बात उठी उस पर भी विचार हुआ है? हाँ, उस पर भी हो गया, उस पर भी विचार करेंगे, जो भी उसका बजट ही है व्यवस्था होगी। इसके अलावा कुछ जो हंगामे की स्थिति रही उसको क्या? कोई हंगामा नहीं बिल्कुल भी, ये तो प्रायोजित कुछ लोगों का होता है फोटो खिंचवाने के लिए, वही फोटो खिंचवा लिए बस। देखिए, बहुत सकारात्मक माहौल में आज की बोर्ड बैठक आयोजित हुई है। इसमें विस्तार से तमाम प्रस्तावों पर चर्चा हुई है माननीय पार्षदगण के द्वारा, सभी पक्षों से बिना किसी राजनीति या पार्टीबंदी का परिचय दिए हुए शहर के विकास के लिए समान रूप से समस्याओं को उजागर किया गया। जो कार्यवाहियाँ निगम ने अभी तक की हैं उन पर लोगों ने उसकी सराहना भी की और जहाँ कहीं कुछ कमियाँ छूट गई थी उनको भी इंगित किया। हमारा प्रयास है कि जिस तरीके से विगत में निगम कार्य करता रहा है जनता के लिए, आगे भी करता रहेगा और जो कहीं कुछ कमियां छूट गई होंगी उनका भी सुधार करेंगे। जो कर्मचारी विरोध जता रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए किस तरह से शांत किया गया, क्या रहा? देखिए, उसमें माननीय सदन के द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकार करके पारित किया गया है। चूँकि इस प्रस्ताव पर फाइनेंस इन्वॉल्व है, काफ़ी बड़ी मात्रा में धनराशि की आवश्यकता होगी, तो हम माननीय सदन के प्रस्ताव को शासन को अपनी संस्तुति के साथ जल्दी भेजेंगे और जैसे भी वहां से हमें निर्देश प्राप्त होगा हम वैसी कार्रवाई करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।